नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। सारण में हुए मतदान के दौरान हुई हिंसा का मामला अब भी थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले को लेकर गठित एसआईटी की टीम न केवल लगातार काम कर रही है बल्कि कई मशहूर शख्सियत भी लपेटे में आते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान के दौरान सारण में हुई घटना के बीच राजद नेता को गोली मारने के मामले में दर्ज केस के आधार पर अभी तक बीजेपी के दो नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इलाके का खाक छान रही है। लेकिन इस बीच एसआईटी की टीम बीजेपी या उनके नेताओं के खिलाफ बयानबाजी या अभद्र टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध भी सख्ती बरत रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सहसारण के एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी पर सोशल मीडिया के जरिए अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में एसआईटी की टीम ने भोजपुरी कलाकार संतोष रेणु यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सारण के एएसपी डॉक्टर राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि साइबर थाना छपरा के द्वारा सोशल मीडिया पर उन्माद फैलाने के लिए उत्प्रेरित करने के जुर्म में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक भोजपुरी सिंगर है। उन्होंने कहा कि सारण में 20 मई को मतदान के बाद 21 मई को हुई चुनावी हिंसा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा निरंतर जाति और समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा था। सारण सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के माध्यम से ऐसे लोगों पर पुलिस लगातार पैनी निगाह रख रही थी। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने कार्यवाही करते हुए सारण के मुफस्सिल थाना क्षेत्र निवासी सावलिया राय के पुत्र चंदन कुमार और पटना जिले के मसौढ़ी थाना अंतर्गत बेरमचक निवासी रामाशीष प्रसाद के पुत्र संतोष रेणु यादव को गिरफ्तार किया है। वैसे संतोष कुमार उर्फ रेणु यादव के विरुद्ध औरंगाबाद के नगर थाना में दो मामले और कटिहार सहित कैमूर में भी एक एक कांड दर्ज है। इन दोनों पर धारा 161, धारा 162 व धारा 163/24 के तहत मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इनके विरुद्ध सोशल मीडिया पर जातीय तनाव, हिंसा और उन्माद फैलाने तथा दंगा को भड़काने का आरोप है जो शांति और विधि व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। यह बताना जरूरी है कि 20 मई को पांचवें चरण के मतदान के दौरान सारण के बूथ नंबर 318 और 319 में बीजेपी और राजद के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया था। वोटिंग के अगले दिन 21 मई को नगर थाना क्षेत्र के भिखारी ठाकुर चौक के पास विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी की नौबत आ गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हुए थे। हालांकि घटना के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी द्वारा सवाल उठाए जाने पर एसआईटी की टीम की रिपोर्ट पर पूर्व सीएम रावड़ी देवी के कई सुरक्षा गार्ड को निलंबित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य पर भी मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद राजद की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अधिकारियों को चेतावनी देने वाले लहजे में कहा गया था कि वह सत्ता के दबाव में काम न करें। मामले की गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि सारण के एसपी गौरव मंगला को भी हटाते हुए उनकी जगह कुमार आशीष को नया एसपी बनाया गया है। लेकिन कुमार आशीष के आने के बाद राजद नेता पर गोली चलाने के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी जहां अभी तक नहीं हो पाई है, वहीं सोशल मीडिया के जरिए सांसद पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपियों को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कह सकते हैं कि सारण की घटना को लेकर राजनीतिक उबाल धीरे धीरे चरम पर पहुंचता जा रहा है और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।